जींद में हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस बात पर बड़ी खुशी जाहिर करता हूँ, बड़ी खुशी है कि कम से कम चलो अग्रवाला मैया जा सकती है। बाकी मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, हमारे नेतागण बजरंगदास जी व दूसरे पहुँच गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं, खड़े होकर का खड़े होकर का बैठ जाइए, जो भी बाहर खड़े हैं। बजरंग दास जी गर्ग बजरंगदास जी आपका स्वागत है अग्रवालों की मीटिंग में पहुंचने का। मैं मैसल पी सी जैन प्रधान एसएस जैन सुनाती हूँ भाई। हमें बड़ी खुशी हुई कि चीन में अग्रवालों की एक मीटिंग की एक बना रही, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये मीटिंग चलती रहे। इसमें जो विधान आता है बीच में जो रोड़ा आता है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है, क्यों कि हमारी जो एफिलिएशन है अलग अलग, लेकिन उन बातों को भूल के जो भी समाज पे कष्ट आए उस पर पॉलिटिकल एफिलिएशन भूल के हमें एक होना चाहिए। दूसरे जो भी समाज के गरीब तबका है उनका भी समाज को कोई फैसला लेना चाहिए। मैं ज़्यादा बीच में समय ना लेता हुआ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये मीटिंग हो रही है और हमारे पॉलिटिकल और पॉलिटिकल एफिलिएशन छोड़ के ये एक हो जाए तो इससे पहले की बात ही नहीं, बड़ की बात ही नहीं। पहले तो ये होता था कि भी अग्रवाल जिधर भी झुकाव करेंगे उधर पॉलिटिकल एफिलिएशन कभी हो जाती थी, तो आज हमने अपने आप ही खोया है। यदि हम आपस में एक हो जाए ये सारे एफिलिएशन छोड़ के तो कोई बड़ा दिन दूर नहीं कि जितनी टिकट मिलेंगी वो भी अग्रवालों को मिलेंगी और जीतेंगे 100%। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ हैंड ओवर, धन्यवाद जैन साहब। हमारे बीच अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बजरंगदास जी गर्ग हमारे बीच पहुँचे हैं। गर्ग साहब आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच ही अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश गर्ग जी हमारे बीच पहुँचे हैं। गर्ग साहब आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। साथियों हमारे बीच सशुदा से व्यापार मंडल के प्रधान विजय गर्ग जी, उनके साथ अमरेश जैन जी हमारे बीच पहुँचे हैं। गर्ग साहब जैन साहब आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसी के साथ जुलाना से व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री पतराम तायर जी हमारे बीच पहुँचे हैं। जैन साहब आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन। साथियों एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश की गई है जो काफी वर्षों से बड़ा लंबित था। लोग कह जरूर रहे थे, लोग कह रहे थे कि अग्रवाल समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, कह के चले जाते, कोई किसी को बोल देता, कोई किसी को बोल देता वे अग्रवाल समाज को इकट्ठा। पर वो इकट्ठा कैसे हो, कहने से इकट्ठा नहीं होता। समाज में कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ शरार्थ भी होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों बातों को छोड़ के 100% तो अपने आप को ही दूर करना पड़ेगा इन चीज़ों से। अगर हम अपना दिल साफ कर लें और सारी राजनीतिक बातें सारा मन मुटाव छोड़ के अगर हम सिर्फ एक बात का ध्यान कर लें तो हमें अग्रवाल समाज को आगे बढ़ाना है। अगर सारे लोग इस बात को सोच लेंगे तो ये दिन दूर नहीं
तो बात ये कोई मुश्किल काम नहीं कि अग्रवाल समाज एक मंच पर इकट्ठा हो गया। अब उसी कमी को उसी बात को पूरा करने के लिए हमारे बीच अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ जी गर्ग, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जी गर्ग व अखिल भारतीय दस महासम्मेलन उसके अध्यक्ष श्री राजीव जी और उमेश अग्रवाल जी उनके महामंत्री हैं। तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया, लोगों की बातें सुनते हुए क्या होता है जब लोगों की बात चलती है तो लोगों की बात कहीं ना कहीं तक पहुँचती है, और अब पहुँचते पहुँचते इनके कारण नहीं पड़ी यहाँ तक बात पहुँची। तो इन्होंने मिलजुल के तीनों संगठनों ने एक मिलजुल के बेड़ा उठाया, ये लोगों की आवाज़ लोगों की इच्छा को क्यों ना पूरा किया जाए। देखिए आज हर चीज़ में चाहे कहीं कोई ध्यान देना है चाहे कुछ करना है सारा पूरा अग्रवाल समाज आगे रहता है, लेकिन जब और बातें आती हैं चाहे राजनीतिक भागीदारी हो चाहे कुछ और हो हम उसमें बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। उस टाइम हमारे कोई आदमी नहीं सोचता कि कृपया अग्रवाल समाज की तरफ लिखाया जाए। तो साथियों इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी ताकत को दिखाते हैं हमें अपनी ताकत को दिखाना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं तो कम से कम राज्य में आज मान लो तीन हरियाणा विधानसभा 90 सीटें हैं, 90 सीटों में कम से कम हमें 40 सीटों पर हम अपनी दावेदारी कर सकते हैं और 40 सीटें कम से कम ऐसी है कि जहाँ अपनी दावेदारी करके और वहाँ से हम सीट निकाल सकते हैं, लेकिन सीट निकलेगी कब जब हमारा सारा समाज इकट्ठा होगा। बातों को कहने से नहीं होगा, इकट्ठा तो होना ही पड़ेगा। इसी कड़ी में जैसे आप सबको पता भी है इस काम को पूरा करने के लिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1 अक्टूबर इस आने वाली 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर हमने द्वीप में एक बहुत बड़ा अग्रवाल महासम्मेलन करने का विचार किया है और उसको तीनों संगठन जिनके मैंने बताए हैं बजरंग राजू गर्ग सुरेश गर्ग जी और राजीव जैन जी उमेश अग्रवाल जी उन लोग तो अब मैं इसी कड़ी में हमारे कुछ समाज के वक्ता हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगा वो अपने बीच आके और अपने विचार रखेंगे। एक बात जरूर कहूँगा साथियों संक्षेप में ही बात करें देश में भी एक अग्रवाल समाज एकता का। मैं सर्वप्रथम अशोक गोयल जी जो अग्रवाल विकास ट्रस्ट डीम के सिटी प्रधान हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगा। अशोक जी आप आइए और अपने कथा अपने दो शब्द अपने को महाराजा अग्रसेन की जितना समाज तकड़ा है उतनी आवाज नहीं। महाराजा अग्रसेन की एक बार और महाराजा अग्रसेन की। सम्मानित मंच अति सम्मानित सदन साथियों ये तो बात भूल जाओ कि हम एक नहीं हैं, एक तो थे एक हैं और एक ही रहेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि हम एक नहीं हैं, आज से एक दिमाग से निकाल दो कि हम एक नहीं हैं। जहाँ भी हम जहाँ भी खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जानी है, हम जहाँ खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू हो जानी है। हम एक थे एक हैं और एक रहेंगे और इसी एकता का प्रतीक आपको दिखाई दे रहा है पंडाल भरा हुआ और उस एकता का प्रतीक आने वाली 1 अक्टूबर को आपको दिखाई दे रहा है जब 25-30 हज़ार आदमी उस पंडाल में अब्दुल स्टेडियम में पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सभी साथी मिलकर उस दिन ये तय कर देंगे कि वास्तव में आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी हमारा होगा राज भी हमारा होगा और समाज भी हमारा होगा। तो सभी साथियों से मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली 1 अक्टूबर को मिलजुल कर जोर से सभी पूरा एकजुटता का परिचय देते हुए पूरे पंडाल में सिर्फ अग्रवाल समाज दिखाई दे ताकि सभी को आने वाली गवर्नमेंट को भी और पिछली गवर्नमेंटों को भी पता लगे कि हाँ ये है अग्रवाल समाज की ताकत। क्यों नहीं है हमारी आज भी भागीदारी कहाँ नहीं है, जितनी प्रेस हैं वो अग्रवाल समाजों की, गौशालाएँ हैं अग्रवाल समाजों की, GST हम सबसे ज़्यादा देते हैं, टैक्स हम ज़्यादा करते हैं, हमारी भागीदारी हर जगह है। सिर्फ और सिर्फ हम राज की रेखा में पीछे इसलिए रह जाते हैं कि हम आगे नहीं आना चाहते, हमें आगे आना होगा। आगे हमें अपने समाज के लिए अपने समाज की ताकत के लिए हमें आगे आना होगा, बढ़ चढ़ कर राज में हिस्सा लेना होगा, तभी किसी समाज को आगे उठाया जा सकता है। आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध है कि सभी एकजुट होकर आने वाली 1 तारीख को इस संगठन के साथ मिलकर ताकत अपनी ताकत दिखाएं ताकि समाज को नया आईना दिख सके। जय हिंद जय भारत। मैंने वाले सब जी अपने इसी कड़ी में
महेश सिंगला जी तो बुलाना चाहूँगा, दो शब्द वो भी अग्रवाल समाज की एकता के लिए अपने आप के बीच रखेंगे। महेश सिंगला जी, अग्रवाल विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान गंगोदार गर्ग जी, अग्रवाल की है अग्रवाल समाज विकास संगठन के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी गर्ग और मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, जून जिले के उपलब्धियों से आए हुए सभी अग्रगण्यों का जून में होने वाली 1 अक्टूबर की रैली के लिए हम योजना के लिए बैठे हैं। इस बैठक में सबका स्वागत है। अपने अग्रवाल वैश्य अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गांधी जयंती हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जिनकी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। हरे हम तालू मिला को स्वागत करेंगे। हेलो, मंच का आशी मना रहे हुई अग्रवाल समाज के नेताओं के स्वागत के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। जैसा ही सबको पता है, 1 अक्टूबर को अपने जिले में वैश्य संकल्प रैली होने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में शायद जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम अग्रवाल समाज का पहले नहीं हुआ, तो समाज के सभी साथियों से, जितनी भी संस्थाओं में हम पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से 1 अक्टूबर की रैली में अधिक से अधिक संख्या में समाज की भागीदारी हो, व्यवस्थाओं में हम सब लगे, हरियाणा भर से आने वाले लोगों का हम बढ़िया से स्वागत सत्कार कर पाए, उसके लिए हम सबको पूरे मन से प्रयास कर रहे हैं। जिनमें हमारी इतनी संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं में लगभग अग्रवाल साथी उन संस्थाओं को संभालते हैं, अधिकतर में तो सभी सदस्य भी अग्रवाल साथी हैं, और शहर की जितनी संस्थाएं हैं उनमें अधिकाधिक से हमारे समाज का रहता है। दूसरा सहयोग हम बाहर करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जब अपने समाज का कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम हमारे जिन जिला को मिला है, तो हमें पूरा प्रयास करके उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। उसके लिए मुझे मिलना, बैठ के करना, सूचना देना, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पोस्ट आती है उसको शेयर करना, अपनी पोस्ट डालना, अखबारों में कोई भी अटक करते हैं उसकी न्यूज देना, सभी मंडियों से अगर इस प्रकार का प्रयास रहेगा तो अपने को विश्वास है और सबको विश्वास होना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहने वाला है। और हरियाणा जींद के इस कार्यक्रम में पूरे हरियाणा कार्यक्रम होने वाला है, पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देगी। उन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज आदर्शायन की। धन्यवाद भाई जी। हमारे बीच अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजीव जैन जी हमारे बीच पहुंचे हैं। कैसा आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत है।
बारे में पवन गरीब से अनुरोध करूँगा, रिपोर्ट भी रोशनलाल जी गोयल, रोशनलाल जी गोयल दो मिनट के लिए प्लीज। जो भी साथी आए कृपया संक्षेप में ही, समय की थोड़ी कमी है, लगता ज़्यादा है। धन्यवाद। सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित अग्रवाल समाज के सभी कर्णधार, 1 अक्टूबर को वैश्य संकल्प रैली जो कि जींद में होने जा रही है, गोयल साहब ने मुझे कहा, संक्षेप में बोले, वो पानी वाला जहाज होता ना जी, जितनी देर में इन्होंने कहा इतनी देर में तो गर्म हो पाएंगे, फिर बैठने का टाइम आ जाएगा तो बताएंगे कब। तो इसलिए अक्षमा चाहूँगा, कुछ समय ज़्यादा ले लूँ तो। बहुत अच्छी पहल है अग्रवाल समाज, वैश्य समाज जो हमारा है। आज मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि हम सामाजिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, पर राजनीतिक तौर पे हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उसका कारण शायद इसके अंदर हम ही हैं, जो हमारे अंदर हमारे साथी हैं, हमारा समाज ही है। आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन आपका समाज ही है। मैं अगर मैं आगे जाना चाहता हूं तो मेरा दूसरा भाई मुझे जाने नहीं देगा। ये प्रतिस्पर्धा, जब तक अच्छी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक हम अपने बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे। जैन साहब ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो ये बीड़ा उठाया है समाज को एक करने का, समाज को चलाने का, उसका जो नाम दिया है संकल्प रैली। आज समाज के लोग संकल्प लेने के लिए तैयार है, क्योंकि आप देखो राजनीतिक हालात जो देश के अंदर चल रहे हैं, हर छोटी जाति, हर छोटा समाज, जब तक वो संगठित नहीं था तब तक उन्हें कोई नहीं पूछता था। आप सभी को पता है छोटे छोटे समाज संगठित होकर के अपनी हिस्सेदारी, अपना शेयर राजनीति में मांग रहे हैं। आप यूपी के अंदर देखो, निषाद, सहनी, राजहर, मोरिया, कुशवाहा, कितनी जातियां इकट्ठे होकर के पार्टियों से अपने हिस्से की मांग ना केवल कर रहे हैं बल्कि उन्हें मांग रही है। कारण संगठन, संगठित। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, समाज कोई भी संगठित होगा तो उसको ताकत मिलेगी, और जब ताकत मिलेगी तब जाकर के आप सर्वाइव कर पाएंगे। पहले हम सुनते थे कि अग्रवाल समाज के, लक्ष्मी अग्रवाल समाज के घर में वास करती है, ये सत्य है और ये सत्य भी था, परंतु शायद आज परिवेश कुछ बदल रहा है, स्थिति कुछ बदल रही है। उसका कारण ये नहीं है कि दूसरे लोग ज़्यादा समझदार हैं, या दूसरे व्यापारी ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं, या दूसरे काम करने वाले ज़्यादा आगे चले गए हैं, उनकी बुद्धि ज़्यादा काम करती है, उसका कारण ये नहीं है। उसका कारण भी हम लोग हैं, हम अपने को ही निशाना बनाते हैं। जो प्रतिस्पर्धा हमारे स्वयं के बीच में, हमारे समाज के बीच में है, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। ये संकल्प रैली के लिए नहीं, एकता और संगठन के लिए नहीं, अपने आपस के प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए भी लेना पड़ेगा।
आपको ताकत चाहिए, राज मिलने से ही ताकत मिलेगी। जब तक आप प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हमारे अग्रवाल समाज का कोई एक नेता, दो नेता, चार नेता जो अग्रणी होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के होंगे, उसको फॉलोअर नहीं होंगे, चाहे वो गलत बोले चाहे वो ठीक बोले। जब तक उसके आदेश को नहीं मानोगे तो आपको हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। आप सोचते रहे संख्या बल जब तक आएगा जब तक आप साथ इकट्ठे नहीं होंगे। जब संख्या बल नंबर का गेम है, अब राजभर 3% है, उनको कितनी सीटें मिल रही हैं यूपी के अंदर? सहनी है, सहनी जो वीआईपी पार्टी बनाई है वो 3 लोकसभा की कम से कम सीटों की मांग कर रहे हैं, वो कितने हैं? 1.5%। और आप पूरे प्रदेश के अंदर 9% है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9% है। वैश्य को अगर सभी घटकों को जोड़े तो आपकी संख्या 9% बनती है। 9% की संख्या आज इस बुरे दौर का कारण क्या है? बुरे दौर का कारण है हमारा संगठित न होना, हमारा अपने लिए साथ न देना, अपने लिए समय न देना। अभी सभी भाई जितने बैठे हैं उनसे कहो कि गौशाला बनानी है, वो व्यापार भी छोड़ देंगे, घर भी छोड़ देंगे, फंक्शन भी छोड़ देंगे, इसके लिए जुट जाएंगे। उनसे कहो कि अग्रवाल समाज के काम के लिए जाना है तो उनके पास कोई समय नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, हमारे सभी जानते हैं लक्ष्मी नारायण बंसल जी थे, वो श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी से संबंध रखते थे। वो टिकट लेने के लिए उनके पास चले गए, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी 8,000 वोट हैं लक्ष्मी नारायण जी, 10 की तुम्हारी 8 कहने लग जाते हैं, क्योंकि 15 साल पुरानी बात है, 10,000 हो तो उसको 8,000 बताने लग जाते हैं। अग्रवाल समाज बोला जी 8,000 वोट हैं, 2,000 वोट तुम्हारी बार हैं, 6,000 की पोल होगी, 3,000, और 3,000 में से जो पार्टी टिकट देगी उसको मिलेगी 1,500, और 1,500 जाएंगे 3 पार्टियां वोट। बोला 500 तो मुझे वैसे ही मिलेगी, 1,000 तक टिकट कैसे दूं? टिकट तो उसको दूंगा ना तो 14,000 वोट देगा मुझे। ये आंकड़ा जिस दिन समझ लोगे, जिस दिन के बाद समझ आ जाएगी, जो केंद्रीय नेतृत्व तो प्रयास कर रहा है उस प्रयास को आप समझ लोगे तो आपकी हिस्सेदारी आपको मिलेगी। ये सत्य कहा था उन्होंने और ये सत्य घटना है, मैं आपको जो बता रहा हूं हमारे सामने उन्होंने कबूल किया कि मेरे को ऐसे ऐसे बोले। चलो वो तो आज भगवान को प्यारे हो गए, उन्होंने ये कबूल किया कि मेरे को ऐसे ऐसे बोले, और ये सत्य घटना है। जब तक हम ये प्रतिस्पर्धा नहीं छोड़ेंगे, मैंने तो इसको नहीं जीतने देना। हम समाज के लोग मंच पे आकर के समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज के काम के लिए प्यारी बातें करते हैं, और हम ही अपने समाज के खिलाफ करते हैं। इसलिए इस संकल्प रैली के अंदर आप अपना संकल्प लें कि हम संगठित रहेंगे, हम एक होंगे, एक रहेंगे, मिलकर के काम करेंगे। अब बात आती है जींद की। जब जींद के नेतृत्व को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि जींद में कार्यक्रम होगा, तो हमारे जींद के भाइयों की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि 25,000 का जो टारगेट है जींद से कम 15,000 होने चाहिए। जिस दिन आप ये संकल्प कर लोगे और ये ताकत इकट्ठे होकर के आप अर्जुन स्टेडियम को भर दोगे तो आपकी हिस्सेदारी का काम करना केंद्रीय नेतृत्व का रहेगा, और वो उनको बाजुओं में ताकत दे पाओगे, उनको हिम्मत दे पाओगे, उनको जो ताकत दोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अब आप सारे भाई ये संकल्प यात्रा के लिए संकल्प लेकर के जाए, चुला जीत ये कार्य करेगा। अपने परिवार सहित 1 अक्टूबर को अर्जुन स्टेडियम में समय से पहले पहुंचेगा,
उसकी व्यवस्था, क्योंकि हमारे अंदर तो कहा जाता है कि भाई मेहमान है वो भगवान का दर्जा दिया गया है। हम आयोजक हैं, सारे हरियाणा से हमारे समाजी भाई आने वाले हैं, वो सभी मेहमान हैं, उनकी खातिरदारी के लिए जैसे अपने घर में मेहमान आता है, पूरा परिवार लगता है, आने वाले बाहर से समाज के भाइयों के लिए आप परिवार सहित अर्जुन स्टेडियम में जींद जिला के पूरे अग्रवाल समाज के परिवार सहित वहां उनकी खातिरदारी के लिए पहुंचे। जब पहुंच जाएंगे तो कोई आपकी हिस्सेदारी आपकी उसको कम नहीं करने वाला, और आपकी एकता को सबल मिलेगा, आपकी एकता को ताकत मिलेगी, और आपकी एकता का परिणाम आपके सामने आएगा। देखिए, जब तक आज हालात बदल गए हैं, अगर सर्वाइव करना है तो ताकत चाहिए, और ताकत मिलती है राज से। राज की ताकत कब ले पाओगे? जब संगठित होगे, अपने अपने भाई की काट ना करोगे, उसको एक होकर के एक छोटा सा प्रयास अभी जिला जींद के अंदर, जो हमने जींद के अंदर नगर परिषद के लिए चेयरमैनी के लिए किया था, बहुत बढ़िया प्रयास रहा, और 9400 के करीब वोटें आई, जिसमें अग्रवाल समाज की 9000 वोटें। हमारी जो चेयरमैन के लिए कैंडिडेट मौजूद है, ये इस बात को मानेंगी कि 9000 वोट जीत से हमारी कैंडिडेट को अग्रवाल समाज के लगभग 9000 वोट मिली है। ये प्रयास अग्रवाल समाज के महावीर कंप्यूटर जी, ये राधेश्याम बिंदल जी, सुरेश करत जी, किशोर बंसल जी, ऐसे बहुत से लोगों ने मिल करके सियाराम कोयल की ये अगवानी करने वाले थे। इन्होंने जो प्रयास किया, उसकी एकता की जो ताकत आपने दिखाई, तो आज आपका सारी पार्टियां जींद में आपकी तरफ देख रही हैं। इसलिए आप से निवेदन है कि आप 1 तारीख के लिए जुट जाएं, अपने सारे परिवार रिश्तेदारों को लेकर के आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको पुनः इस काम को आमंत्रित करते हुए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद लोग साहब। हमारे बीच उपेंद्रगढ़ जी मौजूद हैं, नरवाना इकाई के अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इसी के साथ मोहित बंसल जी, जो हरियाणा प्रदेश अग्रवाल धाम विकास ट्रस्ट के राष्ट्रीय सचिव हैं। बंसल जी, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। और इसी के साथ ही हमारे बीच अखिल भारतीय अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष मैडम पुष्पाचार्य जी आई हैं। मैडम, आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। और इसी कड़ी में इतनी साथियों, बोलने वाले वक्ता बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम थोड़ा लिमिट में ही करने जा रहे हैं, किसी का नाम रह जाए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। जो भी वक्ता है बहुत सारा सुन, सिर्फ अपनी हाजिरी लगा के जो दो मिनट ही बोले आप बोलें। हमारे दोस्त उपेंद्र अग्रवाल जी नरवाना से 2 मिनट का ही टाइम फिर साहब आप निकालिए। महाराज अग्रसेन की जय हो। महाराज अग्रसेन की जय हो। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे प्रिय अगर बंधु, मातृशक्ति, मैं मेरे से पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी तरह आपको संगठन की ताकत के बारे में बताया है। बहुत अर्से पहले मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है जादू। वो आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि एक आपको आह्वान कर रहा हूँ कि आज जो स्थिति हमारे लिए बनी है, राजनीतिक क्षेत्र में जो स्थिति हमारे लिए बनी है, वो हमारे लिए किसी अंधकार से कम नहीं है, और हमें इस अंधकार से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलना है, यह इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। कविता का शीर्षक है जागो। जागो कि रात होने का
सिर्फ सोना नहीं होता, जागो की रात होने बाद सिर्फ सोना नहीं होता, जलाओ एक दिया बेशक छोटा सा, और खड़े हो जाओ बेबोल और भयानक उस दीवार के खिलाफ। हलाओ जितने हला सकते हो अपने कंधे अपने बाजू, टूट पड़ो फिर अंधेरे के उस हिस्से पर जो सबसे ठोस है। तलाश करो गली गली घर घर उन कारिंदों की, उन दरिंदों की जिनकी वजह से थरथराता है पृथ्वी पर खड़ा आदमी। कौन कितना जटिल है और क्यों है, इस प्रश्न का हल कहीं तो मिलेगा, क्या बताएगा कोई बुद्धिजीवी आम आदमी की परिभाषा। जागो और देखो, आपको पुनः आह्वान कर रहा हूँ, जागो और देखो वे कौन हैं जो सदियों से तर्क और विवेक को हाथ कर ले जा रहे हैं जंगल की ओर। जागो की रात होने का सिर्फ सोना ही नहीं होता, रात के अंधकार को चीरना भी होता है, रात के अंधकार को फाड़ना भी होता है। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब। अब मैं दो मिनट के लिए मैडम रजनीश जैन को चाहूँगा वो आई स्टेज पर और वो भी अपने विचार है। सम्मानित मंच और जींद शहर के सभी गणमान्य अग्रबंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 अक्टूबर को जींद में एक इतिहास रचा जाने वाला है जिसके आप सभी साक्षी बनेंगे और जो राजनीतिक गलियारों में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। अभी हमारे रोशन लाल गोयल जी ने जैसा कि बताया कि जो नगर पालिका का चुनाव था उससे पहले हमारे समाज के बारे में दूसरे समाज के लोग एक बात कहा करते थे कि अग्रवाल समाज एक नहीं हो सकता, परंतु जो नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव में समाज ने साबित कर दिया कि हमारा समाज एक था और हमेशा एक रहेगा, उसके लिए मैं पूरे समाज का दिल से धन्यवाद करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और आशा भी रखूँगी कि आगे कोई भी चुनाव आता है उसमें हमारा कोई भी अगर बंधु उसमें शामिल होता है तो समाज इसी तरह पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपने भाई या बहन का साथ देगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।